एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में जी हम लोगों ने परसेंटेज पार्ट टू कंप्लीट किया था, यानी कि आज परसेंटेज का तीसरा क्लास होने वाला है और आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ, क्लास में, और शुरू करते हैं परसेंटेज। देखिए जी, सबसे पहले क्या ये सेम चीज आपको पता है कि नेट वाला भैया का जो भी नोट्स होता है या फिर अभी जो मैथ्स में मैंने सॉल्व करूंगा, ये नेट वाले भैया का टेलीग्राम चैनल है। आप जाइए नेट वाला भैया सर्च करिए और उसमें ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए सारी जगह पे। और ये क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई क्वेरी हो तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे बड़ा चीज ये क्या, नेट वाले भैया का पर्पस सर आपका जेआरएफ क्लियर कराना, और इस चीज को लेकर पेपर वन और पेपर टू की क्लासेस पे कॉमर्स की रोज चल रही हैं, रात के 8 बजे पेपर वन और रात के 9 बजे पेपर टू कॉमर्स की। ये देखिए इतने लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, टीचिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च, ये पूरे ऑलरेडी पेपर वन के कवर्ड है, आप जाके देखिए। आईसीटी के 6 लेक्चर हो चुके हैं, मैथ्स के भी अभी आज 5वां लेक्चर है, 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, इंटरनेशनल बिजनेस अकाउंट्स के सारे लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, स्टैट्स के 10 लेक्चर कवर हो चुके हैं, इकोनॉमिक्स का 4 लेक्चर चल रहा है, इसके बाद हम लोग मार्केटिंग शुरू करेंगे। तो ये सारा चीज आपके पास फ्री में मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, आपको क्लास जाके देखना है और उस देखे हुए का रिप्लाई कमेंट्स के तौर पर और लाइक के तौर पर हमें देना है, जो हमें हमारे एप्रिसिएशन के लिए होगा। क्लियर बात? हाँ जी, तो आज क्या करें, चलिए करते हैं क्वेश्चंस, शुरू करते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 50% ऑफ द एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू दी 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट एक्स इज वाई। तो y का कितना, सॉरी x का कितना परसेंट y है, ये कह रहा है ना, ये कह रहा है। हाँ जी सर, तो बोला y x का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ x, x का y कितना परसेंट है, वही पूछा है, x का y कितना परसेंट है, सेम चीज है। तो आइए सेम, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या 50% ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, देखिए इसको इजी और कर लें, कर लीजिए सर। तो ये परसेंटेज और परसेंटेज पहले ही काट दीजिए, दोनों साइड कट जाएगा, ये जीरो भी काट दीजिए और इजी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x माइनस 3y इक्वल टू 3x प्लस 3y। क्लियर बात? 5x में 3x जाएगा तो 2x करना पड़ेगा ना, 5x में 3x दिया तो 2x, फिर ये माइनस था इधर प्लस चला गया, यानी कि 3x प्लस कितना, सॉरी 5y, ध्यान दीजिएगा इसको, 5 को x से गुणा किया, 5x माइनस 5y, तो ये 5y, तो 5x में 3x गया 2x, और ये 5y इधर चल गया तो 3y प्लस 5y, यानी कि 2x बराबर 8y। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये तो आपके हाथ में ना, आपको तो पता है कि कोई भी टर्म अगर जैसे 2 इंटू एक्स है और 8 into y, इसका तो यही मतलब हुआ। हाँ जी सर, तो अगर हम x को यहां रखते हैं तो ये y इधर आ जाएगा, तो यहां ये चल जाएगा और ये इधर 2 इधर चल जाएगा, 8 divided by 2, ऐसा हम लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको काट दीजिए, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या निकल गया, 4, और y इक्वल टू क्या निकल गया, 1। अब क्या पूछा है, सवाल क्या है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि सर y जो है x का कितना परसेंट है। देखिए क्यों, क्योंकि यहां क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ x। मैंने बताया था लास्ट परसेंटेज की क्लास में कि आप जहां ऑफ x हो, लेस देन मोर देन हो, वहां पे आपको इसी को बेस वैल्यू मानना है, तो x बेस वैल्यू हो जाएगा। देखिए ये देखिए x क्या हो गया, x हो गया जी बेस वैल्यू, यानी कि बेस वैल्यू नीचे वाला डिनोमिनेटर को कहते हैं। हाँ, और फिर किससे पूछा है, y से, तो y हो गया ये 1/4, और 1/4 इक्वल टू 25% होता है, ये हम सब जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25% हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, कैसा है, सिमिलर है, आइए उसको करते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है 15% ऑफ a प्लस b, ठीक है, इक्वल टू कह रहा है 25% ऑफ a माइनस b, ठीक है। इसको भी काट दीजिए, ये परसेंट गया, ये परसेंट गया, 5 से काटे, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, तो यहां हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। सिंपल है,
तो आप देखिए ये 3b है, इसको रख लीजिए 3b, माइनस गया इधर आ जाएगा तो 5b हो जाएगा प्लस, और ये इधर 5a है, यहाँ 5a लिख दीजिए, 3a इधर गया तो 3a हो जाएगा माइनस। तो अभी हम यहाँ लिख सकते हैं 2a 8b, सेम चीज। अब क्या बोल रहा है, सेम वही कहानी करना है, 8 गुने बी ये होता है आपको पता है, 2 इंटू ए ये होता है पता है। हाँ जी सर, तो ए ये बी इधर, ए इधर ले आइए, 8 बाय 2 हो जाएगा, अगर 8 तो यहाँ था इधर आ गया तो 2 हो गया, और ए इधर था ये हो गया तो बी हो गया, काट दीजिए 2 कम 2 2 के 4, फिर ए इक्वल टू कितना आ गया 4, और बी इक्वल टू कितना आ गया 1। क्लियर बात। अब ये सवाल क्या पूछा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जस्ट अपोजिट है, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी कितना परसेंट है, तो बी बी को क्या करना है, बी को बेस बना लेना है, बी बेस बन गया मतलब 1, और न्यूमरेटर क्या 4, बोल रहा है बी का कितना परसेंट है ए, तो आप देखिए ए अपने आप में सॉरी बी अपने आप में 100% और 4 गुना तो 400%, ले 400% इसका क्या आंसर हो जाएगा जी। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा कहां व्हाट्सएप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कह रहा है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 37, ये 37.5% है, 37 1/2%, हाँ गिव 33, इसको ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 37.5% यानी 13.5% गिव 33, मतलब क्या हुआ सर, ये एक बात इसको हमको समझा दीजिए, इसको क्या बोल रहा है, 37 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/8, सर ये मैंने करा रखा है, आप इसको जरूर देखिएगा पिछला वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा 3/8 कहां। अब ये क्या बोला, जो 8 से वैल्यू इंक्रीज हुई यानी 11, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 33 दिया हुआ, यही बोला अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 37.5% या 37 1/2% इक्वल टू क्या, एक बराबर किसके दिया हुआ है 33, तो 8 से ये देखिएगा 3/8 इसका वैल्यू था, ठीक है। अब ये जो 8 चूंकि हम लोग बेस लेते हैं इसको, तो ये 8 से 3 इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया, ये बोला ना इंक्रीज नंबर, तो इंक्रीज नंबर ये हो गया 37.5% इंक्रीज किया 8 में से, तो हाँ तो 11 हो गया, और वो इंक्रीज नंबर किसके बराबर है 33 के बराबर, तो यानी कि इसका एक इसको 3 से गुना करेंगे तो 33 आ जाएगा, हाँ जी सर, तो इधर से भी क्या कर दीजिए 3 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 24। अब देखिए क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी बी। समझ में आया, फिर से एक बार समझा दूं, हाँ समझा दीजिए सर, ध्यान से समझिएगा ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं आपका बोल रहा 37.5% बढ़ गया, कोई एक नंबर था उस नंबर से 37.5% इंक्रीज कर गया, ठीक है, हाँ जी सर, तो मैंने माना कि एक नंबर था कोई भी, चलो ठीक है, तो 37.5% का अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हो तो 3/8 है, इसका मतलब क्या 8 में से 3 हिस्सा है ऊपर वाला, यही बात है, हाँ जी सर, तो बोल रहा है जो 8 हिस्सा था ना उसमें से 3 हिस्सा और बढ़ा दिया, तो वैल्यू कितनी हो गई 11 हिस्सा, अब उस 11 हिस्से की वैल्यू 33 दी हुई है, देख लो ये 33 दी हुई है क्वेश्चन में, अब पूछा बताओ उस जो नंबर था जो शुरुआत वाला नंबर था यानी कि 8 उसकी वैल्यू कितनी है, तो 8 जब 11 के लिए 3 करेंगे तो 33 आएगा, तो भाई 8 के लिए 3 करेंगे तो 24 आएगा, सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 24। क्लियर बात, समझ में आ गई, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से दे देखिएगा एक मिनट। चलिए आइएगा ध्यान से देखिएगा, कह रहा रुपीज 395 आर डिवाइडेड इनटू ए बी एंड सी इन सच अ मैनर दैट बी गेट्स 25% मोर देन ए एंड 20% मोर देन सी, तो ये बात तो आप ध्यान से रखिए कि क्या बोला, इस बात को ध्यान समझिएगा कि 395 रुपया तीन लोगों में बांटना है ए बी और सी में, तो कैसे बांटेंगे, तो बोला भाई साहब बी का जो सॉरी ए का जो है ना परसेंट वो देखिए बी से 25% ज्यादा है, यही ना बोला है, देख लो बी गेट्स 25% मोर देन ए, तो ए से 25% ज्यादा कौन पाता है बी, बिल्कुल सही, और दूसरा कंडीशन क्या दिया कि सी से 20% ज्यादा पाता है, सी से 20% ज्यादा पाता है कौन,
कौन ज्यादा पाता है? बी, क्लियर। यही दोनों बात बोला, देख लीजिए, इन सच ए मैनर दैट बी गेट्स 25% मोर देन ए एंड 20% मोर देन सी। तो ए से 25% ज्यादा है और बी से 20%। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। क्लियर है बात? यहां तक कोई बात है तो, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। सर नहीं, दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्या बोला, इंक्रीज्ड वैल्यू ना, तो हम ये से कह सकते हैं कि सर जो 4 से 5 हो गया वैल्यू, जब 25% था 4 था, 25% ज्यादा, तो ये क्या 5 हो गया वैल्यू। कैसे सर? यही तो बोला कि ए का जो वैल्यू होगा उससे बी गेट्स 25% मोर देन ए। अच्छा, हाँ, ए से ज्यादा होगा कौन? ठीक है, बी। तो ये देख लीजिए ए का वैल्यू कितना, सर ए का वैल्यू आपका, एक मिनट यार, रुको, हाँ, बी गेट्स 25% मोर देन ए, ए से ज्यादा 20 कौन लेके आ गया, बी लेके आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो मैं बोला कि ए का वैल्यू ये और बी का वैल्यू ये, ठीक है। हाँ जी सर, उसके बाद क्या, उसके बाद बोला देखिए बी कितना है, बी 20% मोर देन सी, सी का वैल्यू जो होगा उससे ज्यादा 20% ये होगा। हाँ सर, सी का वैल्यू हम क्या मान लें सर, 5। तो फिर क्या बोलते हैं इसके, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। बी का वैल्यू 6 हो जाएगा, सी का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी, इसको भी कर लीजिए, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, ये लीजिए, तो मान लीजिए 4, तो ये हो जाएगा फिर क्या, 5। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमा है, बाकी ऐसा है कुछ है नहीं। बोला भाई साहब बी जो है ना ए से 25% ज्यादा मांगा है और सी से भी 20%। तो सी का वैल्यू अगर हम मान लें, सिंपल सी बात है, 1/5, तो 5 सी की वैल्यू हो जाएगी, तो अगर बढ़ा है तो 6 हो जाएगा कौन, बी। और उसी तरीके से यहां ए की वैल्यू अगर 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 5। बहुत सिंपल साधारण तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, बी अनुपात ए, यानी रेशियो दिया हुआ है 5:4, यही रेशियो दिया हुआ है। हाँ जी सर, फिर आप देखिए बी इज टू सी, ये इसका क्या दिया हुआ, 6:5। अब मेरे को बताइए दोनों में बी क्या है, बी की वैल्यू अलग अलग है, तो अब हमको बी को मिलाना पड़ेगा ना सर। कैसे मिलाएंगे, तो बी की वैल्यू जो जो भी दी गई है, जैसे मान लेते हैं यहां देख लीजिए बी बाई ए कर दीजिए, ठीक है, और यहां इसकी वैल्यू कितने हो जाएगा, 5/4, और यहां कर दीजिए बी बाई सी, यहां वैल्यू कितने हो जाएगी, 6/5। तो एक बी 5 है, एक बी कितना हो गया सर, 6 है, तो इसको हम इक्वल कर ले, एलसीएम लेके कर लीजिए सर। तो 5 को गुना कर देते हैं 6 से और 6 को गुना कर देते हैं 5 से, इक्वल हो जाएगा। जब ऊपर किए तो नीचे भी करना है, ठीक है सर, 6 से यहां कर देते हैं 5 से। अब देखिएगा 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, फिर यहां बी की वैल्यू 6 × 5 = 30 और 5 × 5 = 25। अब ध्यान से समझिएगा, बी की वैल्यू 30 यहां भी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 24, बी की वैल्यू कितनी 30, और सी की वैल्यू कितनी 25। तो सर क्या यही आंसर नहीं हो गया, ये आंसर हो गया सर, ये तो रेशियो निकला है। अभी इसको डिवाइड करना है किसमें सर, इसको डिवाइड करना है, क्या जानना, द शेयर ऑफ ए का शेयर जानना है। तो देखिए ए का, सबसे पहले ए का तो शेयर हम लोग निकाल लिए, कितना, ए का ये था, बी और सी ये निकाल लिए हम लोग। हाँ जी सर, टोटल पैसा कितना है, 395 रुपया, और इसका शेयर कितना है सर, 24 रुपया। सर ये कितना सर, 79। इन तीनों को जोड़ेंगे ए बी सी का, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 79 ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, अब इसको काट दीजिए, 5 × 24 = 120, तो ए का शेयर जो है, एज शेयर कितना आ जाएगा, 120 रुपया। क्लियर बात, समझ में आ गई बात? हाँ जी सर, सिंपल था, कोई इसमें हेक्टिक नहीं है, बस थोड़ा सा दिक्कत यहां है, अगर इसको आप समझ लिए तो काम बन जाएगा। क्या करना है सर, सिंपल से बात है, बोला भाई मेरा जो शेयर है, यानी कि ए का शेयर 25% ज्यादा है, ए का जितना वैल्यू होगा उससे 25% ज्यादा होगा, सी का जितना वैल्यू होगा उससे 20% ज्यादा होगा। तो हमने 25% के का फ्रैक्शनल वैल्यू देख लिया कितना, 1/4, तो 4 ए का वैल्यू था, तो बी कितना हो जाएगा, 5,
फिर उसी तरह से C का वैल्यू कितना था आपका 5, तो आपका B कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये भी बोला 20% से ज्यादा, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद हमको क्या करना था, अब देखिए रेशियो आ जाएगा क्या, बी रेशियो सी का 6:5 है और बी ए का 5:4 है। अब इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, बी को कॉमन कर लेना है। और बी को कॉमन क्यों करना है, क्योंकि बी अगर दो चीज है तो दोनों का वैल्यू अलग अलग नहीं आएगा ना, नहीं सर। तो अब इसको सिंपली क्या करना है, कॉमन कर लेना है। कॉमन करने के लिए मैंने क्या किया, इसको ये देखिए 6 से मल्टीपल किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये निकल गए बी की वैल्यू बराबर, ये बी की वैल्यू के बराबर, एक का एक ही वैल्यू आ गया दोनों में। अब ए की वैल्यू के लिए भी हमने ये देखे, ये की वैल्यू निकल गई, ये C की वैल्यू निकल गई, ये देखिए A B C की वैल्यू यहाँ निकली हुई है और टोटल वैल्यू 79। अब हम मुझे क्या करना है, मुझे कब निकालनी है A की वैल्यू, तो A की वैल्यू निकालने के लिए 395 रुपया था, उसमें 24 हिस्सा बांट दिया किसका, A को, तो आपका निकल गया क्या, A का शेयर। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन। हाँ जी सर, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 20% ऑफ A equal to 30% of B equal to 1/6 of C। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, इसमें आपने सीखा होगा 20% of A, इसका इसको हम लिख सकते हैं 1/5 of A लिख सकते हैं, 30% को हम 3/10 of B लिख सकते हैं, और C क्या है 1/6 है, तो ये 1/6 C लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं बस। अब क्या, अब निकाल देना है, अब इसको प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये ए इसे कर लीजिए, ठीक है, 5 3 15 a और 10 b, ठीक है, हाँ कि ना, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्या सर, अब ये कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 18 c और 10 10 b, क्लियर है, हाँ की ना, हाँ जी सर। आप देख लीजिए सिंपल, बी की वैल्यू 10 आ गई है, ये आ गया, हाँ जी सर आ गया। तो अब सिंपल कुछ नहीं करना है, उठा के एक का वैल्यू की जगह पर 15 पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू की जगह पर 10 पुट कर दीजिए और सी की वैल्यू की जगह पर 18 पुट कर दीजिए। आंसर क्या, 15 10 और 18, यही हो गया आंसर डी, ठीक है। इसका आंसर कितना था भाई, ये देखिए आंसर था आपका 120 रुपए बी, ठीक है, हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चले, हाँ जी ये इसमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, कर दीजिए और आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, हाँ कि ना, हाँ जी सर। देखिए अगर ये आपको डाउट पड़ रहा है कि ये कैसे आ गया इतना, तो आप ऐसे इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए इसको समझाने का बड़ा सिंपल तरीका है, 15 a इज इक्वल टू 10 b। अब हम इसको इधर कर देते हैं, आप ले आइए b को इधर, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू आपका यहाँ a के जगह पर क्या, ये 10 रह जाएगा और बी के जगह पर 10 रह जाएगा, एक मिनट, हाँ ये 15 a इज इक्वल टू 10 b, ठीक है। अब ये इधर ले आइए, एक मिनट, 10 15 b ये करो, एन ए 15 b, अब यहां करके देखो 10 a, तो ये आ गया, हाँ अब आ जाएगा जी, ये इसको कर लीजिए a, एक मिनट, अब आ जाएगा, तो ये कर लीजिए आप यहाँ a by b, यहाँ हो गया 15 और यहाँ हो गया 10, ठीक है सेम। तो अब a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 10, सेम इसी तरह से इसको भी करना है, इसको भी सेम इसी तरह से करना है, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना 18 c और 10 b, ठीक है, इसको भी यही करना है। तो आइए ये चीज कर लेते हैं, c बाई बी, तो ये हो जाएगा 18 बाई 10, देख रहे हो c की वैल्यू 18, b की वैल्यू, तो सेम यही काम करना है और कुछ नहीं करना है, समझ में आ गई बात, हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट रुकना यार, थोड़ा डाउट हो रहा है, अगर मैं 18 c को c यहाँ कर दूँ और b यहाँ कर दूँ तो c इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, नहीं c तो 10 नहीं है, c 18 है, यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा आपका उल्टा, ये हो जाएगा 18 c और ये हो जाएगा 3 c और
यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 18B और 10C। अब इसको करके देखो तो 18B 10C। अब इधर आ जाओ, हाँ अब आ जाएगा वैल्यू। तो B बाई सी और ये 10 और नीचे 18, ये हो जाएगा सही तरीका आपका। ठीक है, सॉरी आप इसको ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हाँ जी सर। तो 1 को 10 से गुना किया, ए 10 आ गया, 5 को 3 से गुना किया, 15 भी आ गया। सेम इसी तरीके से ये मैंने सी लिख दिया था, ये वैल्यू तो बाद में है ना, तो बाद में लिखाएगी, मैं क्या किया इसको पहले लिख दिया, सॉरी। तो देखिए 3 6 18, ठीक है 18 ये बी वैल्यू थी, बी में यहाँ आ गई, 10 एकम 10, 10 थी, 10 की सी की सी यहाँ आ गई। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से अच्छे से बना दूं क्या सर? बना दीजिए ना, देखिए एकदम आराम से बनाता हूँ मैं इसको, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 1/5 ए था, ठीक है सर, 3/10 बी था, 1/6 सी था, ठीक है, हाँ जी सर। पहले एक को एंटर करते हैं, तो इधर से किए 1 × 10 10 ए, ठीक है, इसक्वल टू क्या हो गया सर, 15B, क्योंकि पहले जो है वो उसको वो लिखेंगे। ठीक है सर, अब इसको और इसको करते हैं, 6 × 18 B इसक्वल टू 10C, अब निकाल लीजिएगा इसको, ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, चलिए अब नेक्स्ट चले क्वेश्चन में, हाँ जी सर चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये देखिए, कह रहा था रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स इज 3:2, तो इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। अब एक बात बताइए, 20% स्कॉलरशिप पाता है कौन? बॉयज, तो कितना परसेंट नहीं पाता है जी? 80% नहीं पाता है। उसी तरह से गर्ल्स अगर 30% स्कॉलरशिप पाती है तो 70% स्कॉलरशिप नहीं पाने वाले लोग है। क्लियर बात, यहाँ कोई यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए सर। नहीं, अब रेशियो क्या दिया हुआ है ये ध्यान दीजिएगा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स का रेशियो क्या है, 3:2। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सुविधा करने के लिए 30 और 20 मान लूं, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 30 20 का रेशियो 3:2 ही होगा। ठीक है, आ जाइए, अब क्या बोला, 30 जो बॉयज था उसमें से 20% जो था वो क्या, 20% बॉयज स्कॉलरशिप होल्डर था, तो 80% नहीं था, तो 30 का 80% बॉयज क्या था, स्कॉलरशिप नहीं था, यानी कि 24 लड़के जो थे स्कॉलरशिप नहीं थे। उसी तरह से 20% का कितना, 70% स्कॉलरशिप नहीं थे, तो 24 + 14 ये कितना हो गए सर, ये हो गए 24 और 14, आप देख लीजिए 38, 38, ठीक है, 38 ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो क्या है, स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, अब मेरे को बात बताइए कितने में से, ये देखिए 30 और 20 50, 50 में से 38, ठीक है, तो 50 में से 38 लोग नहीं लाते, ये क्या करते हैं सर, स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, तो 38 आपको पता है नीचे क्या होता है, बेस वैल्यू, कितने में से मतलब बेस वैल्यू, × 100 कर दीजिए, आ जाएगा 76%। सर ऐसे भी नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए, एक तरीका और है इसको समझाने का, क्या समझाने का तरीका सर, आप देखिए 38% बच्चे हैं, उसकी वैल्यू कितनी, 50% दी गई है यहां इसके हिसाब से, 30 और 20 50, और 38% 38 लोगों में 50%, तो इसी को 100% कर देंगे तो दो, जब ये डबल तो ये भी डबल, तो 76, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, हाँ जी सर, चलिए नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, ये तो बड़ा इजी है, क्या है सर, कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनेस पास, 65% लोग पास कर गए, इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 420 देन द नंबर ऑफ एग्जामिनेस इज, ओ तेरी, जब 65% बच्चे पास हो गए हैं तो फेल 35% है, और 35% इक्वल टू 420 दिया हुआ, क्योंकि यही नंबर तो फेलियर की है, हाँ जी सर। तो अब हम 1% की वैल्यू निकालें, तो 1% हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 35, और ये कितना हो जाएगा सर, एक फिर आपका 100% बराबर 420 डिवाइडेड बाय 35 × 100, तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 1200 के आसपास आएगा आपका, 1200 के आसपास नहीं, 1200 ही आएगा सर। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए 435 को आप डिवाइड करिएगा 12 से, तो 35 से तो आ जाएगा 12, और 12 को 100 से मल्टीपल कर दिए, आंसर क्या हो गया 1200। क्लियर
क्लियर बात। ये तो बड़ा इजी था यार, इसमें क्या था, बोला भाई साहब 65% बच्चे पास है, 35% फेल है, और जो 35% फेल है उसकी उसका नंबर कितना है 420, तो 35% फेल है उसका 420, तो 1% का 420 बेटा 35, 100% का 1200। ए इसमें तो कुछ नहीं था यार, ये तो हल्लवा था नहीं। हाँ जी सर, चलिए अब चले दूसरा देखें। कह रहा है आउट ऑफ एन अर्निंग 720 रुपीज स्पेंड 65%। अब देखो अर्निंग में से, ठीक है, राम जो है वो 65% क्या करता है, खर्च करता है। हाउ मच डज ही सेव, अब कितना भाई साहब ये सेव करता। अरे इसमें क्या था भाई, इसमें हमको समझ में नहीं, इसमें था क्या, चलो चलो 65% ये क्या करता है आपका खर्च करता है, तो 35% क्या करता है ये सेव करता है। रेशियो बना लो 13:7, ठीक है, हाँ सर बन गया। अब देख लीजिए 720 रुपया टोटल अर्निंग है, 720 का 7/20 कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, कितना होता है 36, 36 को 7 से करेंगे तो 252 रुपया आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा ना 7/42, हाँ सर यही आएगा, 252 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। अ मिक्सचर ऑफ 20 किलो ऑफ स्पिरिट, 20 किलो स्पिरिट था और इसमें 10% वाटर था, यानी कि 20 किलो का 10% यानी कि 2 किलो हो गया। हाँ जी सर, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कि 2 किलो स्पिरिट था तो 2 किलो पानी था तो 18 किलो स्पिरिट था, ये वाटर ये स्पिरिट। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, कह रहा हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू रेज द परसेंटेज ऑफ 25%। अब देखिए बोल रहा है कितना ऐड कर, तो मान लेते हैं एक्स ऐड करेंगे तो पानी कितना हो जाएगा सर, 25% हो जाएगा, और 25% पानी तो 75% क्या हो जाएगा सर, 75% हो जाएगा जी आपका ये स्पिरिट, तो स्पिरिट कितना हो जाएगा 75% और वाटर 25%, यही क्वेश्चन कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बोटा 20 किलो स्प्रिट था उसमें से 10% पानी है, तो 20 किलो का 10% 2 निकल गया, तो 2 किलो वाटर तो 18 किलो स्प्रिट, बिल्कुल सही। अब बोल रहा है कि उसमें हम कितना पानी मिक्स कर दें, ठीक है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना पानी मिक्स कर दें कि ये परसेंटेज जो है पानी का 25% हो जाए, तो जब पानी 25% है तो 75% स्प्रिट हो गया। अब इसको काट दीजिए, क्या 25 कम 25 25 75, 1/3, तो अब इसका ये जो बन जाएगा 2/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1/3, क्लियर बात। हाँ जी सर, तो आइए इसको कर लीजिए, कैसे होगा ये हो जाएगा जी, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए 3 × 2 = 6 प्लस 3x = 18, यही होगा ना, हाँ सर यही होगा। अब देखिए 3x = 18 माइनस 6, उसके बाद 3x = 12, तो x = कितना 12/3, तो x = 4। अब देखिए x क्या निकल गया 4, तो ये क्या हो गया सर, यही आपका हो गया कि 4 किलो आपका और पानी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो आपका 25% वाटर हो जाएगा, सॉरी 4 किलो स्पीड, ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया। अब चलिए ये तो क्वेश्चन, अगला 10 और 11 जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एक नया तरीके का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा फ्रेश फ्रूट्स कंटेंट 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेंट 20% वाटर। एक बात मुझे बताइएगा, ये फ्रूट में पानी कहां से आ गया सर, सवाल ये तो गलत है, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, मुझे बताइएगा। अंगूर सर, अंगूर होता है, हाँ सर होता है सर। किशमिश होता है, होता है सर। तो अंगूर से ही किशमिश बनता है, ये बात पता है आपको, हाँ जी सर। तो अंगूर जब पूरा कच्चा हो, यानी कि कच्चा अंदर से फल के तौर पर हो, तो सर वो जब ज्यादा पानी लेगा, हाँ सर ज्यादा पानी लेगा, लेकिन जब वो किशमिश बन जाए तो पानी उसमें बहुत कम रहेगा, ठीक है, क्लियर बात। तो अंगूर का जो मेन पार्ट होता है पानी को छोड़कर, उसको हम लोग बोलते हैं पल्प, क्या बोलते हैं पल्प, ठीक है। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा, यहां दो तरीके का फ्रूट है, एक फ्रूट बोला फ्रेश फ्रूट है, क्या बोला फ्रेश फ्रूट है, ठीक है, एक बोला ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, ठीक है, हाँ जी सर। बोला जो फ्रेश फ्रूट है ना, उसका वाटर जो है वो कितना है 68% है, कितना है 68%, और उसके बाद जब 60 है तो फिर पल्प कितना बच जाएगा,
सर 32%। ये बात अब बार बार बता रहा हूँ, पल्प बोलते हैं उसके, अरे हम लोग बोलते हैं ना मांस उसको, तो जो फल है एक्चुअल उसमें ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें जो पानी को छोड़कर चीजें उसको पल्प कहेंगे, क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो वो अब ड्राई फ्रूट में देखिए कितना पानी बोला सर, वाटर बोला मात्र 20%, ठीक है, और पल्प कितना सर, पल्प 80%। अब मुझे एक बात बताइए, क्या जो पल्प वाला पार्ट है वो भी कम ज्यादा होता है? क्या बात कर रहे हो सर, वो कैसे कम ज्यादा होगा, वो तो सूख जाता है, साइज वो सब कुछ तो वही होता है ना, उसमें चेंजेस थोड़ी होते हैं। जब उसमें चेंजेस नहीं होते हैं तो ये 32% में, कोई एक बात बताना, एकदम सिंपल सा बात बताना, मैं इसको अगर ऐसे बोलूं 32% ये बराबर है कि नहीं डी इंटू कितना 80% के, 100 का 32% ये परसेंट को भी डिवाइड कर लीजिए 100 के, ये कर लीजिए 100, तो 100 क्यों, क्योंकि सर 100 के जी फ्रूट था ना, ये देखिए आ गया, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 के जी ऑफ फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स, तो फ्रेश फ्रूट्स कितना था 100 के जी, 100 के जी का 32% पल्प है, ये बात तो मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा, वाटर 68% 32% क्या बचेगा, पल्प उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट का जो मेन पार्ट है वो, ठीक है, हाँ जी सर, तो ये 32%। अब मुझे बताओ जो ड्राई फ्रूट में होगा वो भी तो पल्प ही उतना ही होगा, तो क्या पल्प जो 80% है वो इसके बराबर नहीं है सर, है, तो डी का 80%। अब इसको निकाल लीजिए, ये यहीं से काट दीजिए, ठीक है, 1010 यहां से उड़ा दीजिए, 8 × 8 = 8, चौके 32 यहां से उड़ा दीजिए, ठीक है, अब ये 10 इधर चल जाएगा तो डी इज इक्वल टू 40, क्या ये आंसर नहीं होगा सर, डी इज इक्वल टू 40, तो ड्राई फ्रूट का क्या होगा 40 kg, ये देखिए 40 kg आंसर आपका आ गया। तो ये क्या बोल रहा है कि कितना ड्राई फ्रूट को ऑब्टेन कर सकेगा 100 केजी फ्रेश फ्रूट में, तो 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट से 40 किलो ड्राई फ्रूट निकल जाएगा, क्लियर बात? अब आइए ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ग्रेप्स वाला एग्जांपल लिया, सेम एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रेश ग्रेप्स एंड कंटेन 80% ऑफ वाटर व्हाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। बात से लिख लीजिए पहले, फ्रेश फ्रूट्स यानी ग्रेप्स लिखिए, फ्रेश ग्रेप्स, ठीक है, और ये ड्राई ग्रेप्स, ठीक है, हाँ जी सर, तो फ्रेश ग्रेप्स में वाटर कितना सर, फ्रेश ग्रेप में 80% वाटर है, तो और ये फिर इसमें पल्प कितना, पल्प हो जाएगा सर 20%। अब आ जाइए ड्राई ग्रेप्स में, ड्राई ग्रेप्स बोला 80% वाटर वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेंट 10% वाटर, तो इसका वाटर कितना 10%, पल्प कितना सर 90%, और क्या दिया हुआ है, कह रहा है द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 250 kg, व्हाट वाज इट्स टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश, तो भैया 250 kg आपका क्या है सूखा यानी कि किशमिश है, तो इसका मेन फ्रूट जो होगा फ्रेश फ्रूट वो कितना होगा, तो ये तो सिंपल है, इसमें भी तो वही काम करना है, क्या करना है सर, देख लीजिए कितना पल्प है सर इतना, तो कैसे होगा, तो सर ये लिख देंगे हम इसको 250 kg का 90%, ठीक है, और इसको लिख देंगे फ्रेश का 20%, यही तो बराबर है क्योंकि पल्प इसमें भी 20, इसमें भी बराबर होगा और यहां भी बराबर होगा, तो पल्प अगर देखो वाटर 10% है ड्राई फ्रूट्स में, तो 90% क्या होगा पल्प, तो 250 kg का 90% और आपका फ्रेश फ्रूट का 20%, यही तो आपका पल्प बराबर है। अब इसको जब ये दोनों बराबर है तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे सर, आइए तो ये कितना 20 एक और एक 5 1/5 सॉल्व हो गया, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए सॉल्व हो गया, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए सॉल्व हो गया, तो यानी कि फ्रेश फ्रूट कितना हो जाएगा 5 × 25 × 9, तो इसको अगर करिएगा तो 1125 आपका आंसर आएगा, ये आप देख लीजिएगा 25 से 125 और 125 को 9 से इंटू करेंगे तो आपका 1125 आएगा, क्लियर है बात, हाँ जी सर। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है, कोई बात है और दिक्कत सर, नहीं दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और व्हाट्सएप में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।